देखिए अली, हमारा सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में रॉ के एजेंट्स हैं। एमक्यूएम के बारे में तमाम ताल्लुकात उनके रॉ से एक्सपोज हैं। महमूद खान अचकजई एक इंडियन एसेट है, रॉ के लिए काम कर रहा है। फजलुर रहमान उसकी लॉयल्टीज कॉम्प्रोमाइज है। और जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है उन और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त है उनकी उनके बारे में तो कोई कहने की बात नहीं रह गई कि उनके क्या ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ और रॉ के साथ। और जैसे हमारे पहले दोस्त ने कहा कि अब तो इमरान के बारे में भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि वो लंदन किस लिए गए थे। सो द पॉइंट इज कि जब ये आप बिट्रेल तो हमारे अंदर है, पाकिस्तान के मीडिया में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आर्मी और आईएसआई लिख के दे चुकी है कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी आपने डॉन लीग्स का वाकया देखा है जिसके ऊपर इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया। ये पाकिस्तान के अखबार इन्वॉल्व है इसके अंदर, उससे पहले जियो के बारे में लिख के आर्मी और आईएसआई ने दिया था। तो वी आर फेसिंग अ मल्टी एक्सिस वॉर, फिफ्थ जनरेशन वॉर। आर्मी ने सिर्फ इसके मिलिट्री एक्सिस पर रिस्पॉन्ड किया है। अभी तक इसके इकोनॉमिक कुल टेररिस्ट जो है, जो मीडिया टेररिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं, उसको अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। एंड इसी वजह से हमारी पुश्त में हमेशा खंजर मारा जाएगा। जैसा मैं इसी नुक्ते पे ब्रेक लेना चाहूंगा यहाँ पे।